एम सॉरी आयत, बाहर बहुत सर्दी है और मैं तुम्हें कहीं नहीं ले जा सकता और साथ भी बीमार पड़ सकता है। आयत कब से मेराज की मिन्नतें कर रही थी बाहर जाने के लिए, लेकिन आज मौसम बहुत ख़राब था जिसकी वजह से मेराज ने मना कर दिया। मेराज, मैं साथ को 3 कंबल में लपेट कर ले जाऊंगी, वो बीमार नहीं होगा और वैसे भी वो अपनी माँ की तरह ठीक है, मेराज की परेशानी दूर करते हुए उसने अपनी भी तारीफ कर दी। नहीं का मतलब नहीं होता है आयत, मेराज ने बात ख़त्म करते हुए कहा। प्लीज़ चले ना, आयत ने उसकी बात को अहमियत ना देते हुए मिन्नतें जारी रखीं। नहीं, मेराज ने इस बार सख्ती से कहा, जिस पर आयत खामोश होकर एक साइड पर बैठ गई। मेराज ने जल्दी से उसकी नाराज़गी को नोट कर लिया। मेरी जान नाराज़ हो गई। मेराज उसके पास आया मगर आयत ने धिक्का देकर उसे पीछे कर दिया और खुद जाकर बेड पर लेट गई, गोया नाराज़गी का ऐलान किया। ठीक है, लेकिन 1-1.5 घंटे में हम वापस आ जाएंगे और तुम वहां जाकर ज़िद नहीं करोगी। मेराज उसे ज़्यादा देर नाराज़ नहीं देख सकता था। अब रहने दे, नहीं जाना, आयत ने नखरे दिखाते हुए कहा जबकि अंदर लड्डू फूट रहे थे। अच्छा बाबा, आई एम सॉरी, आइंदा नहीं मना करूँगा तुम्हें। अब चलो, मेराज ने कान पकड़े। वैसे अब मेरा दिल नहीं कर रहा और ना ही जाने का इरादा है, लेकिन आप इतनी मिन्नतें कर रहे हैं तो सोच रही हूँ चली जाती हूँ, आयत ने एहसान जिताते हुए कहा और भागकर तैयार होने चली गई कि मेराज फिर इनकारी न कर दे। जबकि मेराज उठकर साथ के पास आया। जल्दी बड़ा हो जा बेटा, तेरी माँ के जुल्म अकेले बर्दाश्त नहीं कर सकता, अकेले मेरा गुजारा नहीं है तेरी माँ के साथ। उसे उठाते हुए वॉशरूम के दरवाजे की तरफ देखा, कहीं आयत सुन ही ना ले। आज सलार की तबीयत बहुत ख़राब थी, मुजम्मिल 1000 बार पूछ चुका था लेकिन उसने हर बार यही कहा कि वो ठीक है, जब उसके माथे की रगे उसकी तबीयत ख़राब होने की निशानदेही ही कर रही थी। शाहसाई, आप घर चले जाएं, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, मुजम्मिल थोड़ी देर बाद फिर से बोला। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम फिक्र ना करो। शाहसाई, आपने नाश्ते में क्या खाया था, मुजम्मिल को शक हुआ तो पूछने लगा। नाश्ते का नाम सुनकर सलार के लबों पर मुस्कुराहट आ गई। नाश्ता बहुत अच्छा किया था, मसला तो मुझे चौधरी का है, सलार ने आखिरकार उसे अपनी परेशानी बता दी। क्यों शाहसाई, चौधरी नहीं माना, मुजम्मिल ने पूछा। अगर नहीं मान रहा तो हमें कोर्ट केस करना चाहिए, हमारे पास हमारी ज़मीनों के सबूत मौजूद हैं, मुजम्मिल ने कहा। नहीं, ये मसला कोर्ट से बाहर ही हल करना होगा और वैसे भी ये लड़ाई तो बुज़ुर्गों के ज़माने से चली आ रही है, अगर वो कभी कोर्ट नहीं गए तो हम क्यों जाएं। लेकिन शाहसाई, चौधरी काफ़ी टेढ़ा आदमी है, आसानी से नहीं मानेगा, आपको कोई नुकसान ना पहुँचा दे, मुजम्मिल ने फिक्रमंदी से कहा। मुझसे ज़्यादा टेढ़ा नहीं होगा मुजम्मिल, लेकिन इस मसले को हमें सही तरीके से हल करना है, सलार ने अपने हाथ से सर दबाया। शाहसाई, मुझे लगता है कि आपका बीपी हाई है, आपने कुछ ऐसा वैसा तो नहीं खाया, मुजम्मिल ने फिर पूछा। अरे यार, कुछ नहीं खाया ऐसा वैसा, फिक्र मत करो, मुलाजमा ने सीरत को नाश्ता दिया। बीबी जी, आपने शाहसाई के साथ अच्छा नहीं किया, अब तो सारा दिन उनका सर घूमता रहेगा, मुलाजमा ने कहा। वो क्यों, सीरत ने खाते हुए पूछा। वो जी, उनको ब्लड प्रेशर हाई है ना, खाना खाते सीरत के हाथ रुक गए। क्या मतलब, सीरत ने घबराते हुए पूछा। जी, वो एक बीमारी होती है जिसमें नमक वाली चीज़ें मना की जाती हैं, शाहसाई को भी वही बीमारी है, इसीलिए तो वो अंडा वगैरह भी नहीं खाते, मुलाजमा ने ऐसे बताया जैसे वो बीपी हाई के बारे में जानती ही ना हो। अब तक तो उनका बीपी शूट कर चुका होगा, सीरत ने परेशानी से सोचा था। सारा दिन इसी सोच में गुजर गया, सुबह जो 2 निवालों से ज़्यादा 1 निवाला ना खा पाई, दिन में भी उसने कुछ नहीं खाया। ज़्यादा परेशानी उसे मुलाजमा की उस बात पर हुई थी कि सलार बचपन में होने वाले एक्सीडेंट के आज तक जेरे असर था, जिसकी वजह से उसे आज भी सर में दर्द उठता है और जब भी उसे ये दर्द उठता है तो उसे बहुत गु़स्सा आता है और किसी न किसी चीज़ पर निकालता, और अगर कंट्रोल करने की कोशिश करता तो दर्द और बढ़ जाता है। इसका मतलब है वो सारा गुस्सा मुझ पर निकालेंगे, सीरत ने डरते हुए सोचा, क्योंकि अब वो शाहसाई की नहीं सलार की मोहब्बत की आदी हो चुकी थी, जो उससे ऊंची आवाज़ में बात भी नहीं करता था। सीरत को अपनी हरकतों पर गुस्सा आ रहा था, उसे सजा देने के लिए उसके साथ कितना गलत कर गई। बिना सोचे समझे उसने सलार को फ़ोन किया। हवेली से कॉल आती देखकर वो परेशान हो गया, लेकिन सीरत की बात सुनकर खुशी की कोई इंतहा ना रही। वो मैंने पूछना था, आप ठीक तो हैं ना, सीरत ने घबराते हुए पूछा।
हाँ, लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? उसे जवाब देते सलार का दिल चाह रहा था कि अपने दिल की सारी बातें बता दे कि उसके बगैर वो ठीक नहीं है, लेकिन वो ना बता सका। वो मुझे आपको सॉरी बोलना था, मुझे पता नहीं है कि आप बीपी के पेशेंट हैं, इसलिए मुझे आपकी फिक्र हो रही थी। सीरत ने मासूमियत से अपनी गलती का इतराफ़ किया और माफ़ी मांगकर फौरन फ़ोन बंद कर दिया, जबकि उसके फ़ोन के बाद वो कोई काम ना कर सका। आप ठीक तो हैं ना? वो मुझे आपकी फ़िक्र हो रही थी। इन दोनों जुमलों के ने सालार को सारा दिन कोई काम न करने दिया। ये क्या हो रहा है? हिना ने किचन में झांकते हुए पूछा। उसे देखकर जावियार मुस्कराया। कुछ नहीं, दरिया मुझसे नाराज़ है तो मैंने सोचा कि उसे मेरे हाथ का चॉकलेट केक बहुत पसंद है, तो मैं उसको राज़ी करने के लिए बना रहा हूँ। आप दरिया से बहुत मोहब्बत करते हैं? हिना ने उससे पूछा। एक ही तो बहन है मेरी, कैसे ना करूं उससे मोहब्बत। उसे दुनिया की हर खुशी देना चाहता हूं, लेकिन मुझे नहीं पता कि उसकी हर खुशी सलार से जुड़ी होगी। हिना, मैं जानता हूं कि सीरत की इस सब में कोई गलती नहीं होगी, लेकिन वो मेरी बहन की तकलीफ़ की वजह बनी है। सलार जानता था कि दरिया बचपन से उसे चाहती थी, फिर भी उसने ऐसा किया। जावियार को रह रहकर सलार गुस्सा आ रहा था, जैसे वो बयान नहीं कर पा रहा था। खैर छोड़ो, आज देखना दरिया खुश हो जाएगी, जावियार ने बात बदलते हुए कहा, क्योंकि उसे दरिया को सालार के दुख से निकालना था। इंशाल्लाह, हिना बस इतना ही कह पाई। हिना को सालार शुरू से ही अजीब लगा, फिर उसे सीरत के साथ देखा तो समझ गई कि सीरत बेकसूर है, क्योंकि सीरत को वो बचपन से जानती थी और उसे सीरत पर पूरा यकीन था। वो घर आया तो फिर सीरत को लॉन में लगे पौधों के पास देखा। उसके करीब आया। जाओ कपड़े निकालो मेरे, सख्ती से कहा। वो उसके गुस्से को समझ नहीं पाई, क्योंकि फ़ोन तो वो बहुत मोहब्बत से बात कर रहा था। कपड़े निकालने के बाद देखा सलार अभी तक कमरे में नहीं आया था। सोचा शायद नीचे टीवी लाउंज में होगा, वहाँ आई तो यहाँ पर भी नहीं था। बाहर निकली तो उनकी हालत देखकर उसे सदमा हुआ, क्योंकि जितना खूबसूरत वो अभी इस लॉन को छोड़कर गई थी, उससे कहीं ज़्यादा बदतरीन हालत में वो इस वक्त था। इस वक्त वहाँ एक पौधा भी ना था और कुछ बेदर्दी से कटे हुए ज़मीन पर पड़े थे। ये क्या किया आपने? सीरत सदमे से पूछ रही थी। तुम्हें यहाँ मैं अपना ख्याल रखने के लिए लाया हूँ, इन चीज़ों का नहीं। मुझे हरगिज़ पसंद नहीं कि मेरी बीवी मुझसे ज़्यादा किसी और चीज़ को अहमियत दे। ये कहकर वो जाने लगा, फिर वापस आया। एक बात और, ये तो सिर्फ पौधे हैं, अगर तुमने मेरे अलावा किसी भी और चीज़ को अहमियत दी तो उसका हाल इससे भी बुरा होगा। ये कहकर वो कमरे में चला गया, जबकि सीरत को खूबसूरत लॉन की अब हालत देखकर रोना आ रहा था। जबकि मुलाजमों ने उसको इस तरह से साफ किया था कि अब अंदाज़ा लगाना मुश्किल था कि यहाँ कभी कोई पौधा मौजूद था। अगर इस लॉन का मातम मना लिया हो तो मेरा खाना लगा दो, उसके कान के करीब आकर सरगोशी की। सीरत ने उसके चेहरे पर देखा जहाँ थोड़ी देर पहले वाले गुस्से का नामो निशान तक ना था, और चुपचाप हवेली के अंदर चली गई। इस वक्त सलार अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाया और उसकी सज़ा भुगत रहा था, क्योंकि सीरत ने आज तीसरा दिन से एक बार फिर से बात करना छोड़ दिया। जल्दबाजी में हुई गलती की वजह से वो बहुत परेशान था। सीरत को तंग भी बहुत किया, लेकिन वो फिर भी ना बोली। उन पौधों को वापस उगाना उसके बस में ना था, वरना ये वो भी कर गुजरता। एक तरफ चौधरी की टेंशन ने सलार का जीना हराम कर रखा था और दूसरी तरफ सीरत की नाराज़गी ने उसके सुकून की तबाही मचा रखी थी। अब ना तो सीरत नाश्ते में ज़्यादा नमक डालती और ना ही खाने के लिए अंडे देती। उसकी वजह उसकी नाराज़गी नहीं बल्कि फिक्र थी, क्योंकि वो अपनी वजह से किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी, चाहे वो उसका दुश्मन अव्वल सलार शाह ही क्यों ना हो। पहले सीरत के नाश्ते ने उसका बीपी शूट करने में कोई कसर ना छोड़ी, और अब उसकी नाराज़गी उसकी दिमागी नस्ब नुकसान करने को तैयार थी। उसे लग रहा था कि अगर सीरत ने एक और दिन उससे बात ना की तो वो पागल हो जाएगा। देखो मेरी जान, शराफत इसी बात में है कि तुम मुझसे बात कर लो, वरना मैं इस बार ऐसी सजा दूंगा कि तुम बहुत पछताओगी, सलार ने उसे डराना चाहा। उसकी बात सुनकर सीरत ने उसे घूरी से नवाजा। यकीनन अगर वो आंखों से कत्ल करने का फन रखती तो इस वक्त तक हज़ार बार सलार को कत्ल कर चुकी होती। तुमने मेरा दिमाग पहले ही ख़राब कर रखा है, अब मुझे घूरना बंद करो। यकीनन सलार चौधरी का गुस्सा भी उसी पर निकाल रहा था। ठीक है, तुम नहीं करोगी ना मुझसे बात? अगर तुम मुझसे बात नहीं करोगी तो कोई भी तुमसे बात नहीं करेगा। इतने दिनों में वो तो ये तो समझ चुका था कि सीरत बातूनी है।
हर वक्त किसी न किसी से बातों में लगी रहती है। इस हवेली में कोई तुमसे बात नहीं करेगा सीरत। वो सीरत का मुजरिम था, लेकिन सीरत को ही सजा सुनाई जा रहा था। सीरत ने गुस्से से मुंह फेर लिया। इस पर सरार भी गुस्से से बाहर निकल गया। बाहर लॉन में पहुंचा और गुस्से से माली बाबा को आवाज़ लगाई, शाह साईं हुक्म। वो सर झुकाए हाथ बांधते उसके सामने खड़े थे। लॉन में फिर से पौधे लगाते और वो पौधे जल्दी से जल्दी बड़े हो जाएं। जी साईं। जिस दिन से जावियार ने दरिया को मनाया था, दरिया एक बार फिर से उसके सर पर चढ़ गई थी। हर बात की एक ही बात। वो जावियार को एक ही बात मनवाने की कोशिश कर रही थी कि उसे सालार चाहिए। वो सालार से बात करना चाहती है, लेकिन सालार उससे ये कह कर गया था कि सीरत को छोड़ने की शर्त हिना को छोड़ना है, क्योंकि सालार जानता था कि जावियार हिना से बहुत मोहब्बत करता है और वो ऐसा कदम कभी नहीं उठाएगा। दिन गुजरते चले जा रहे थे और दरिया की नफरत हिना के लिए बढ़ती जा रही थी, लेकिन हिना इस नफरत को समझ नहीं पा रही थी। अगर सालार ने किसी लड़की से शादी कर ली तो इसमें हिना की क्या गलती थी? वो इससे क्यों नफरत कर रही थी? ये बात अलग थी। हिना को अपनी यह मगरूर नंद पहली नज़र में भी अच्छी ना लगी थी, लेकिन वो ये भी जानती थी कि जावियार इससे बहुत मोहब्बत करता है। हवेली में कोई भी किसी से बात नहीं कर रहा था, यहाँ तक कि घर की मुलाजमा से देखते ही आगे पीछे कहीं हो जाती। उसे इस तरह अकेले वहशत होने लगी। उसने सोचा क्यों ना काम काज में अपना हाथ बटा ले, लेकिन ऐसा भी ना हो सका। मुलाजमों ने उसे किसी काम को भी हाथ ना लगाने दिया। मुजम्मिल आया था तो उसने उम्मीद भरी नज़रों से उसकी तरफ देखा कि शायद वही इससे बात कर ले, लेकिन वो भी नज़रें नीचे झुकाए खड़ा रहा। वो इतना कुछ बोली, लेकिन उसके जवाब में उसने नज़र उठा कर भी ना देखा। यकीनन वो इसका भाई बात में सलार का वफादार पहले था। उसे अब हवेली कांटे को दौड़ रही थी। अपनी किस्मत पर रोने के अलावा वो कुछ नहीं कर सकती थी। सलार से बात करना नहीं चाहती थी और उसकी ये सज़ा सलार से बात किए बिना ख़त्म भी नहीं हो सकती थी। मन्नत की तबीयत अचानक ख़राब हो गई तो हाशिर उसे अपने साथ हस्पताल ले आया, लेकिन जब उसे तबीयत ख़राबी की असल वजह पता चली तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो अपनी औलाद की ख्वाहिश भी छोड़ चुका था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी अपनी कोई औलाद होगी। मन्नत ने उसे ज़िंदगी की हर खुशी दी थी, तो अल्लाह ने इस मामले में भी उसे पीछे ना रहने दिया। हाशिर की खुशी की कोई इंतहा ना थी। देखना मन्नत, हमारा प्यारा सा बेटा होगा, हाशिर ने खुशी खुशी बताया। बेटा? मन्नत एकदम चुप हो गई। हाँ बेटा, बेटियाँ बहुत रुस्वा करती हैं मन्नत, हाशिर ने अपनी आंखों के आंसू छुपाते हुए कहा। लेकिन शायद भूल गया था, सामने बैठी लड़की उसके अंदर का हाल जानती है। चलो घर चलते हैं, हाशिर उसे घर ले जाने लगा। जब अस्पताल से बाहर अचानक लड़की उससे टकराई, ना तो उसने उस लड़की को पहचानने में देर लगाई और ना ही उस लड़की को, और अगले ही लम्हे वो लड़की उसके सीने से लग कर रो गई। लेकिन उसने नज़रें उठाकर भी अपनी बहन को ना देखा। भाई खुदारा एक बार मुझे देखे तो सही, मैं आपकी बहन हूँ, वो हाशिर के सीने से लगी पिलक पिलक को रो रही थी और हाशिर किसी बुत की तरह खड़ा उसे रोते देख रहा था। इस वक्त से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसकी जान से प्यारी बहन किस हाल में है। भाई आप जिंदा हैं मेरे सामने, मुझे यकीन नहीं आ रहा, वो हिचकियों में रो रही थी। तुम दोनों बहनों ने मुझे मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी, तो फिर मेरे जिंदा होने की खुशियां क्यों मना रही हो? हाशिर ने उसे एक ही झटके में खुद से दूर किया। अगले ही पल वो उसे खुद से दूर करके मन्नत को घसीटता हुआ अपने साथ ले गया। भाभी एक बार मेरी बात सुन ले, वो हाशिर को छोड़कर मन्नत की तरफ आई, लेकिन हाशिर ने उसे मन्नत से भी बात ना करने दी। वहाँ उसे वही छोड़ते हुए आगे बढ़ गए, जबकि आयत ने उसके पीछे आने की कोशिश की कि किसी ने पकड़ कर उसे अपनी तरफ किया। आयत पागल तो नहीं हो गई हो तुम, क्या कर रही हो? आयत को रोते हुए देखकर मेराज उसके करीब आकर खड़ा हो गया। मेराज, हाशिर भाई जिंदा हैं, मैं उनसे मिली हूँ, वो बिल्कुल ठीक हैं, मन्नत भाभी वो उनके साथ ही थी, वो अभी मैं इनसे मिली हूँ, वो खुशी से मेराज को बता रही थी और उसके सीने पर अपना सर रख के लिया, ये सोचे बिना कि वो इस वक्त पब्लिक प्लेस में खड़े हैं। साथ की तबीयत ख़राब थी, जिसकी वजह से वो उसे लेकर ही अस्पताल आए थे। वो जानता था कि वो भीड़ से घबराती है, इसलिए वो उसे अकेले अस्पताल के अंदर ले गया, उसे गाड़ी में बैठने को कहा। लेकिन बहुत देर बाद जब वो वापस ना आए तो आयत अस्पताल के अंदर जाने लगी और अपने भाई से मिली।
मेराज उसे अपने साथ वापस मरी के होटल में ले आया। सीरत को पता चलेगा तो वो खुशी से पागल हो जाएगी। आयत ने अपनी खुशी संभाली नहीं जा रही थी, जबकि मेराज ये सोच रहा था जब सीरत को पता चलेगा कि हाशिर जिंदा है तो वो सलार को माफ़ कर देगी। तुम्हें यकीन है मेराज जिसको तुम लोगों ने देखा वो सीरत का भाई ही था? ये भी तो हो सकता है तुम लोगों को कोई गलत फहमी हुई हो। सलार को यकीन नहीं आ रहा था कि जिसकी बिना पर सीरत उससे दूर है अल्लाह ने वो वजह ही दूर कर दी। क्या बात कर रहे सलार, आयत उससे मिली है, उससे बातें की हैं, उससे काफ़ी बेरुखी से बात कर रहा था, लेकिन वो जिंदा है। मैं खुद तो नहीं मिल पाया उससे, लेकिन फिर भी वो यहाँ मरी में ही है, मिराज ने सारी तफसील बताई। तो अब जल्दी से सीरत को ये बता दे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं मिराज, जब तक मैं उसे अपनी आंखों से नहीं देख लेता तब तक मुझे उस बात का यकीन नहीं हो जाता कि वो जिंदा है। तब तक मैं सीरत को कोई उम्मीद नहीं दूंगा। क्या तुझे मुझ पर यकीन नहीं है? मिराज ने पूछा। यकीन है जिगर, देख तूने ही तो कहा है, उसे खुद नहीं देख पाया, बस आयत को दो लोगों के पास खड़े देखा है, मिराज ने समझाना चाहा। तुझे क्या लगता है आयत मुझसे इस किस्म का झूठ बोलेगी? मिराज को सलार पर गुस्सा आने लगा। उफ, मैं ये नहीं कह रहा जिगर, क्या हो गया तुझे, तू बात कहाँ से कहाँ लेकर जा रहा है, सलार ने गुस्से से कहा तो मिराज को भी एहसास हुआ कि वो ओवर रिएक्ट कर रहा है, जो खुद जानता था कि उसने मिराज के अलावा ज़िंदगी में कभी किसी पर भरोसा नहीं किया। अच्छा ठीक है, अब तू बता मैं क्या करूँ, मिराज ने माजरत ख्वाह अंदाज में कहा। तू सीरत के भाई के बारे में पता लगा, मैं भी मरी में एक आदमी को जानता हूँ, उससे रब्ता करता हूँ। सलार के दिमाग में हाशिर का ख्याल आया तो उसने कहा, ठीक है तू फिक्र मत कर, उसके बारे में मैं पता लगाता हूँ। हाशिर घर वापस आया तो अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। उसकी तल्ख यादों ने आज भी उसका पीछा न छोड़ा था। वो एक नई जिंदगी शुरू करने यहाँ आया था, वो अपनी पुरानी जिंदगी से सब कुछ भुला देना चाहता था। उसने जो कुछ किया, जिस तरह से अपनी बहनों को चाहा, जिस तरह से उनकी परवरिश की, हर एक बात को भुला कर उसने अपनी और मन्नत की ज़िंदगी शुरू की थी। मन्नत कितनी ही देर बाहर बैठी बस यही सोचती रही न जाने आयत किस हाल में होगी। जिस तरह से हाशिर ने उसके साथ बेरुखी से काम लिया मन्नत को अच्छा नहीं लगा था और अब वो खुद अंदर जा के बैठ गया था। सुबह तक सब कुछ ठीक था लेकिन अब सब कुछ फिर से ख़राब हो चुका था। सच तो ये था कि इतने अरसे के बाद आयत को देखकर वो बहुत खुश थी। वो जानती थी कि अगर आयत उसके भाई अरमान के साथ होती तो शायद कभी इतनी मुतमईन ना होती, क्योंकि उसे लगता था कि उसका भाई अरमान बाकी भाइयों से अलग है। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता उसे खुद ही अंदाज़ा हो गया कि उसका भाई अरमान उसके बाकी भाइयों से अलग नहीं बल्कि उनके ज़्यादा पत्थर दिल और बेहिस है। वो आयत को देखकर जितनी खुश थी वो हाशिर के सामने अपनी खुशी बयान नहीं कर सकती थी। वो आयत को बताना चाहती थी कि वो फूफो बनने वाली है लेकिन हाशिर ने उसे मौका ना दिया। लेकिन अब उसने फैसला किया था, हाशिर को आयत को माफ़ करने पर मजबूर करेगी, वो आयत को वापस लाएगी। वो जानती थी ये करके वो हाशिर को मज़ीद तकलीफ़ से दोचार करेगी, लेकिन वो इस बात से बेखबर ना थी कि आयत और सीरत से दूर लेकर हाशिर खुद बेचैन है और वो उसकी यही बेचैनी ख़त्म करना चाहती थी। सलार का दिल चाह रहा था कि वो भी सीरत को बता दे कि उसका भाई ज़िंदा है और अपनी और इसकी सारी दूरी मिटा दे, लेकिन पहले वो यकीन चाहता था। वो खुद अपनी आंखों से सीरत के भाई को देखना चाहता था, वो सीरत को कोई झूठी उम्मीद नहीं देना चाहता था। सीरत ने उसे कहा था कि सलार से मोहब्बत करने के लिए उसे उसका भाई वापस चाहिए, तो क्या सलार की मोहब्बत में इतनी शिद्दत थी कि अल्लाह ने सीरत के भाई को मरने नहीं दिया? खैर जो भी था, वो जल्द से जल्द मरी जाना चाहता था क्योंकि बहुत कोशिश के बाद भी वो हाशिर से रब्ता नहीं कर पा रहा था। मुजम्मिल जाओ और हवेली जाकर मेरा कुछ सामान पैक करो और मेरी गैर मौजूदगी में सीरत का ख्याल रखना, और ऐसा करो कि तुम अपनी बीवी जैनब को सीरत के पास छोड़ दो, तब तक मैं मरी से वापस आ जाऊँगा। साईं मैं भी आपके साथ आना चाहता हूँ, आप जानते हैं कि इस वक्त चौधरी की आपके हर कदम पर नज़र है, मैं आपको अकेले नहीं छोड़ सकता, मुजम्मिल को उसकी फिक्र थी। ठीक है मुजम्मिल, तुम मेरे साथ आ जाना, लेकिन फ़िलहाल तुम हवेली में जाओ और मेरा कुछ सामान ले आओ और सीरत को इस बारे में कुछ भी मत बताना, तब तक मैं चौधरी से मिलकर आता हूँ, आज मैं ये मसला हल करके ही लौटूंगा। साईं क्या आप अकेले वहाँ जाना ठीक रहेगा? मुजम्मिल ने पूछा। मुजम्मिल तुम इतना करो जितना मैं कहता हूँ, सलार ने सख्त निगाह मुजम्मिल को देखा जब उसने नज़रें झुका ली।
मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके साथ कौन कौन मरता है, मुझे बस सीरत की लाश देखनी है। दरिया न जाने किससे फ़ोन पर बात कर रही थी। तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं दूंगी, लेकिन सीरत जिंदा नहीं बचनी चाहिए। हिना दरिया को खाने के लिए बुलाने के लिए कमरे में आई, जब उसके दरवाजे पर ही रुक गई। दरिया इतनी गिर सकती है, हिना ने कभी सोचा भी ना था सलार को हासिल करने के लिए किसी की जान ले सकती है। ये तो हिना के वहमो गुमान में भी ना था। उसे जल्द से जल्द जावियार को ये बात बतानी होगी। यही सोचकर वो वापस मुड़ी, जब कमरे से बाहर रखा गुलदान उसके पैर से लगकर चकनाचूर हो गया। गुलदान की आवाज़ इतनी ज़्यादा थी कि दरिया फौरन कमरे से बाहर भागी। तुम यहाँ क्या कर रही हो, छुपकर मेरी बातें सुन रही थी? दरिया गुस्से से उसकी तरफ बढ़ी। नहीं, मैं तुम्हारी बातें नहीं सुन रही थी, लेकिन इत्तेफाक से मैंने तुम्हारी सारी बातें सुनी हैं और अब मैं ये सब कुछ जावियार को बताऊंगी, हिना बगैर हिचकिचाए बोली। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि दरिया तुम सलार के लिए इस तरह का कदम उठाओगी। सीरत मासूम है, वो तो जानती तक नहीं कि तुम्हारे कितने खतरनाक हैं। तुम ठीक कहती हो हिना, सीरत मासूम है, वह ये नहीं जानती थी कि उसने किससे पंगा लिया है। उसने मुझसे सालार को छीना है और अब मैं उससे उसकी ज़िंदगी छीन लूँगी। मुझसे मेरे सालार को दूर करने की बहुत महंगी कीमत चुकानी होगी उसे, दरिया मक्कर लहजे में बोली। जावियार हिना को अक्सर कहता था कि दरिया बीमार है, लेकिन उसने ये नहीं बताया था कि दरिया पागल है और वो अपने पागलपन में कुछ भी उल्टा सीधा कर सकती है। मैं तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं करने दूँगी दरिया, मैं अभी जावियार को सब कुछ बता दूँगी। हिना जावियार को फ़ोन करने के लिए नीचे जा रही थी, जब किसी ने पीछे से अचानक उसे धक्का दिया और वो सीढ़ियों से नीचे गिर गई। दरिया अक्सर हिना को तंग करने के लिए घर के सारे मुलाजमों को छुट्टी दे देती थी और आज भी उसने ऐसा ही किया था। हिना की चीखों पुकार सुनकर कोई यहाँ नहीं आया, जबकि दरिया आखिरी सीढ़ी सुकून से बैठी उसे रोते तड़पते देख रही थी। तुम जानती हो हिना, मैंने ज़िंदगी में सिर्फ एक शख्स को चाहा है। मेरे बाप और भाई ने मेरी ज़िंदगी की हर ख्वाहिश पूरी करते हैं, इसलिए वो ये ख्वाहिश भी पूरी करना चाहते थे। और फिर मेरी ख्वाहिश के बीच में तुम्हारी मनहूस सहेली सीरत आ गई, जिसकी सज़ा अब तुम भुगत रही हो। मैं अपने भाई को बता रही हूँ कि मैं सलार से प्यार करती हूँ, उसके बगैर जी नहीं सकती, लेकिन वो समझ ही नहीं रहा था। लेकिन अब फिक्र मत करो, वो समझ जाएगा। अब जब तुम मरोगी ना, तब उसे पता चलेगा कि मोहब्बत में जुदाई कैसी होती है। और सीरत को तुम्हें वैसे भी मैं मरवाने लगी हूँ, और फिर तुम दोनों का काला सा साया हमारी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। दरिया उसके करीब बैठी बोले जा रही थी। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि हिना तड़प रही है। ये वक्त उसके लिए अजाब से कम ना था, लेकिन दरिया को उसकी परवाह ना थी। वो तो शायद इंतज़ार कर रही थी कि कब हिना अपना दम तोड़ दे, लेकिन शायद ही हिना ने उसकी कोई बात सुनी होगी। वो तो बस चिल्ला रही थी कि उसका बच्चा मर जाएगा। हिना बहुत कमज़ोर थी, डॉक्टर ने उससे भी बच्चा पैदा करने के लिए मना किया था। जावियार भी इस बात को लेकर बहुत परेशान था, लेकिन हिना ने उसे ऐसा कोई फैसला नहीं करने दिया जिससे उसके आने वाली औलाद पर बुरा असर पड़े। वो ये बच्चा चाहती थी क्योंकि ये जावियार उसकी मोहब्बत की पहली निशानी थी। यही सोचते तड़पते उसकी आंखें न जाने कब बंद हो गई। जब दरिया को यकीन आ गया कि उसका वजूद भी जान हो चुका है, वो उठकर चली गई। बीबी जी, साईं के चंद कपड़े पैक कर दीजिए, हमें कहीं जाना है, मुजम्मिल ने हवेली में कदम रखते उससे कहा, जबकि वो मुंह फेर कर खड़ी हो गई। उसके इस तरह से मुंह फेरने का मुजम्मिल समझ चुका था कि वो उससे नाराज़ है। उसके इस तरह से नाराज़ होने पर वो ज़रा सा मुस्कराया। जब उसका फ़ोन बजने लगा, उसने देखा उसे कमर की कॉल आ रही थी। कमर तो शाह साईं के साथ किया था, अगर उन्हें मुझसे कोई काम होता तो वो खुद मुझे फ़ोन करते, कमर मुझे क्यों फ़ोन कर रहा है? यही सोच के उसने कॉल अटेंड की। मुजम्मिल जल्दी पहुंचो, शाह साईं को गोली लग गई है। क्या, साईं को गोली लगी है? मुजम्मिल के अचानक कहने पर सीरत के पैरों से किसी ने ज़मीन खींच ली। वो हैरानो परेशान नज़र मुजम्मिल को देखने लगी। अस्पताल पहुंचाओ, मैं भी पहुंच रहा हूं। मुजम्मिल जल्दी से फ़ोन जेब में रखते हुए भागते हुए बाहर निकलने लगा, जब सीरत भागते हुए उसके पीछे आई। मुजम्मिल भाई, शाह को क्या हुआ है? मुझे भी अपने साथ ले चलें। एक पल को सीरत भूल चुकी थी कि वो किसके बारे में बात कर रही है। नहीं बीबी, मैं आपको अपने साथ नहीं ले जा सकता, उसको रोते देख कर मुजम्मिल ने कहा। उनको कुछ हो जाएगा, मुझे अपने साथ ले चलें। मुजम्मिल भाई प्लीज़, मुझे अपने साथ ले चलें, अब रोते हुए वो मिन्नतें करने लगी।
बीबी जी, मैं वादा करता हूँ उन्हें कुछ नहीं होगा, लेकिन मैं आपको अपने साथ नहीं ले जा सकता। मुझे जाने दे। उसके साथ उसके हाथ से ज़बरदस्ती अपना हाथ खींचकर चला गया, जबकि सीरत वहीं ज़मीन पर बैठकर रोने लगी। न जाने अब उनकी किस्मत में क्या लिखा था। सीरत बेचैनी से इधर से उधर टहल रही थी। ये एहसास के जानलेवा था कि सलार को गोली लगी है, तो क्या उसकी बदुआ ऐसे लग गई। लेकिन उसने तो उसे कोई बदुआ नहीं दी थी। तो फिर पिछले 2 घंटों से कभी फ़ोन को देखती, कभी दरवाजे को, लेकिन सलार की कोई खबर नहीं आ रही थी। या अल्लाह, सलार को कुछ ना हो। अगर उसे कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा। पिछले 2 घंटे से 1 सेकंड भी उसकी आंखों से आंसू अलग नहीं हुए थे। बीबी जी, आपकी फिक्र ना करें, सब बिल्कुल ठीक हो जाएगा। शाह साईं को कुछ नहीं होगा। आप बस अल्लाह से दुआ करें कि हमारे शाह साईं जल्दी से वापस आ जाएं। सब उसे दिलासा देने लगे, क्योंकि उन्हें डर था कि सलार उसकी इस रोती धोती हालत पर वापस आ गया तो उनमें से किसी एक को नहीं छोड़ेगा। बीबी, आप शाह साईं से कितना प्यार करती हैं, तो उन्हें बताती क्यों नहीं। पता नहीं मुलाजमा के दिल में क्या समाई जो उसने उसकी आंखों को देख कर ये कह बैठी। प्यार? सीरत ने हैरानगी से ये लफ्ज़ दोहराया। माफ़ कीजिएगा बीबी जी, लेकिन हमदर्दी में आंसू नहीं बहते। आंसू का रिश्ता मोहब्बत से होता है। अगर मोहब्बत नहीं तो फिर आंसू भी नहीं। क्या आपने कभी अनजान लोगों के लिए आंसू बहाए हैं? नहीं ना, आंसू सिर्फ उन लोगों के लिए बहते हैं जिन्हें हम अपना मानते हैं। मुलाजमा ना जाने उस पर क्या साबित करना चाहती थी, लेकिन वो जानती थी कि सलार की जान खतरे में, जिसकी वजह से आंसू नहीं रुक रहे। बीबी, शाह साईं सिर्फ एक बात सुनना चाहते थे आपसे। अल्लाह ना करे उन्हें कुछ हो जाए तो उनकी ख्वाहिश तो अधूरी ही रह जाएगी। बकवास बंद करो, उन्हें कुछ नहीं होगा, समझी तुम? दफा हो जाए यहाँ से। शायद ही जिंदगी में कभी सीरत ने किसी से इतनी ऊंची आवाज़ में बात की होगी, लेकिन इस बदतमीजी की वजह से वो खुद भी समझ नहीं पाई। कुछ नहीं होगा सलार को, या अल्लाह, आप सलार को कुछ नहीं होने दीजिएगा। मुलाजमा की बातें बार बार उसके दिमाग में घूम रही थीं। अगर वाकई ही सलार को कुछ हो गया तो क्या इसकी वजह सीरत होगी। लेकिन उसने कभी नहीं चाहा था सलार को कुछ हो जाए, लेकिन सलार तो उससे एक पर अपना नाम सुनना चाहता था। आज सीरत समझ चुकी थी कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ किस्मत का लिखा था। या अल्लाह, मैंने सब कुछ आपकी मर्ज़ी समझकर कबूल नहीं किया, जबकि आप तो अपने बंदों की भलाई चाहते हैं। सलार के साथ शादी में मेरी भी कोई भलाई होगी, लेकिन मैंने इसे आपकी रजा समझकर कबूल करने के बजाय ठुकरा दिया। या अल्लाह, अगर ये मेरे किए की सज़ा है तो प्लीज़ सलार को ना दें, आप मेरी जान ले लें। लेकिन मेरे सलार को कुछ नहीं होना चाहिए। अगर मेरे सलार को कुछ हो गया तो मैं जी कर क्या करूँगी। वो नहीं जानती थी ये मोहब्बत है या कुछ और, लेकिन वो इतना जानती थी कि अगर उससे उसके सलार को कुछ हो गया तो वो जी नहीं पाएगी। रात के 8 बजे जब शाकिर साहब आए तो खामोशी देखकर उनको लगा यहाँ कोई नहीं है, लेकिन घर के अंदर कदम रखते ही जो मंजर उनके सामने था वो उनके होश उड़ा दे चुका था। हिना सीढ़ियों से गिरी ज़मीन पर पड़ी थी। वो जल्दी से जावियार को फ़ोन करके उसे अस्पताल पहुँचाने की कोशिश करने लगे, लेकिन जब उन्होंने हिना की नब्ज़ चेक की तो उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इन जिंदा है या मर चुकी है। शाकिर साहब जब तक अस्पताल पहुंचे तब तक जावियार भी आ चुका था। डॉक्टर ने फौरन उसे आईसीयू में शिफ्ट कर दिया। बाबा, हिना को कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊँगा। जावियार किसी छोटे बच्चे की तरह रो रहा था जब शाकिर साहब के दिमाग में दरिया का ख्याल आया। कुछ नहीं होगा तुम्हारी हिना को, अल्लाह सब बेहतर करेगा। तुम यहाँ ही रहो, तब तक मैं दरिया को बता के आता हूँ। बाबा, दरिया शाम तक घर पर ही थी, मैंने फ़ोन किया था। उसके बाद मैं फ़ोन करता रहा लेकिन किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। मेरी मीटिंग थी इसलिए मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे ध्यान देना चाहिए था। आज मेरी बेध्यानी की वजह से हिना का ये हाल है। डॉक्टर ने उन्हें दुआ करने के लिए कहा था, क्योंकि डॉक्टर उन्हें कोई झूठी उम्मीद नहीं दिलाना चाहते थे। हवेली का दरवाज़ा खुलते ही सलार की गाड़ी अंदर आई। सीरत भागकर दरवाजे पर पहुंची। गाड़ी से निकलने वाला शख्स सलार ही था। सीरत भागकर उसके सीने से लगी और बुरी तरह रोने लगी। सीरत, मेरी जान, में बिल्कुल ठीक हूँ, गोली बस छू कर गुजर गई। सलार से हिम्मत देने की कोशिश कर रहा था, वो इतने बुरे तरीके से रो रही थी। सीरत, मेरी बात तो सुनो। सलार कब से उसे कुछ बताना चाह रहा था, लेकिन सीरत के आंसुओं की टैंकी ख़त्म ही नहीं हो रही थी। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना, आज के बाद आप मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे।
सनार नहीं जानता था कि यह वक्ती एहसास है या सीरत अपने दिल का हाल कह रही है, लेकिन सीरत के लफ्ज उसे ये सुकून दे रहे थे। अगर अब आप मुझे छोड़कर गए तो मैं आपसे कभी भी बात नहीं करूंगी, उसके सीने में मुंह छुपाए वो बोले जा रही थी। फिर एक सेकंड सर उठा के उसके चेहरे की तरफ देखा। आप नहीं जाएंगे ना मुझे छोड़कर? नहीं, कभी नहीं। उसका आंसुओं से भीगा चेहरा साफ करते हुए सलार ने मोहब्बत से उसकी पेशानी चूमी। सीरत एक बार फिर से उसके सीने में अपना मुंह छुपाने लगी। मैं अब आपको कहीं जाने ही नहीं दूंगी, हमेशा अपने पास रखूंगी। सीरत किसी छोटे बच्चे की तरह रो रही थी जो अपना फेवरेट खिलौना किसी को नहीं देना चाहता था, लेकिन सलार उसके लिए इसका खिलौना बनने को भी तैयार था। उसे अपने सीने से लगाए वो तो आज आसमान में उड़ रहा था। और इस वक्त की कैफियत से निकलने के बाद सलार सीरत की हालत के बारे में सोचकर मुस्कुराए जा रहा था, लेकिन आज सीरत ने सलार से दूरी के सारे रास्ते खुद ही बंद कर दिए थे। मेराज आयत को होटल छोड़कर उसी अस्पताल में वापस आया। वहाँ उसने हाशिर कुरेशी के नाम से हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन चेक की। अस्पताल की इंतजामिया चेक करने नहीं दे रही थी, लेकिन मेराज ने आज जिंदगी में पहली बार अपने खूबसूरत चेहरे का इस्तेमाल किया। वहाँ की एक नर्स को बातों में लगाकर उसने सारी इन्फॉर्मेशन निकाली। अगर ये बात आयत को पता चल जाती तो यकीनन वो किसी छुरी से उसके चेहरे पर बड़ा सा आयत लिख देती, जिसे कोई मिटा तो नहीं सकता लेकिन पढ़ हर कोई सकता। उसने सारी इन्फॉर्मेशन सलार को सेंड कर दी, लेकिन कहीं दूसरी साइड इस सारी इन्फॉर्मेशन का होश कैसे किसे था। उसके बाद सीरत उसके सामने नहीं आई। थोड़ी देर हुई, पहले वाली बातें या तो वो भूल चुकी थी या फिर इग्नोर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन शायद सीरत सलार को अभी तक ठीक से नहीं जानती थी, क्योंकि सलार ये बात उसे भुलाने देने वाला था नहीं और ना ही इग्नोर करने वाला। सीरत ने रात होने तक कमरे में कदम न रखा तो मजबूरन सलार को उठकर बाहर आना पड़ा। बाहर आया तो सीरत सोफे पर बैठी अपने नाखून खाने में मसरूफ थी। उसे अपने करीब आता देखकर एक तरफ सिमट कर बैठ गई। क्या बात है, आज तुम्हारा सोने का इरादा नहीं है? सलार उसके इतना करीब आकर बैठा कि इंच भर का फासला भी मिटा दिया, जबकि एक हाथ पीछे से उसके बालों में जा रहा था। सीरत ने पीछे हटने की कोशिश की तो सलार मजीद उसके करीब आ गया। जी, मैं तो आने वाली थी सोने के लिए, मुझे बहुत नींद आ रही है। वह एक पल में उठकर खड़ी हुई, जब सलार ने उसे कमर से पकड़कर एक बार फिर अपने करीब बिठा लिया। मुझसे भाग रही हो? उसके कान के करीब सरगोशी करते हुए उसके कान की लू को चूमा। नहीं तो मैं क्यों भागूं? सीरत की आवाज़ की कपकपाहट को सलार ने अपने लबों में कैद कर लिया। सीरत रू तक कांप उठी। सीरत ने अपना आप छुड़वाने की कोशिश की तो सलार ने उसे मजीद खुद से करीब कर लिया। तुम्हें मुझसे भागने की ज़रूरत नहीं, मैं अब भी तुम्हारी इजाज़त का तलबगार हूँ। मैं तुम्हारी इजाज़त के बगैर तुम्हारे करीब नहीं आऊँगा, लेकिन तुम जितना मुझसे भागने की कोशिश करोगी तुम्हारे लिए उतना ही नुकसानदेह होगा, क्योंकि मैं जानता हूँ अब तुम्हारे दिल के रास्ते भी मेरे लिए खुल चुके हैं, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारी इजाज़त का इंतज़ार करूँगा। हाँ, ये थोड़ा मुश्किल है, बल्कि बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं खुद पर कंट्रोल कर लूँगा, इसलिए तुम्हें मुझसे भागने की ज़रूरत नहीं है। चलो शाबाश, अब अंदर चलो और रेस्ट करो, तुम्हें मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं, उसका हाथ पकड़ के बोला और अंदर ले जाने लगा। जबकि सीरत जानती थी कि डरने की ज़रूरत है। जब सीरत ने उससे अपनी फीलिंग्स के बारे में कुछ नहीं बताया था, वो खुद पर कंट्रोल नहीं करता था, अब तो वो सब जानता था तो वो उसे कैसे बचेगी। सीरत खुद भी नहीं जानती थी कि जो फीलिंग उसके दिल में जागी है वो मोहब्बत ही है या कुछ और, लेकिन अब वो सलार के बगैर नहीं रहना चाहती थी। उसका दिल चाहता था कि सलार हमेशा उसके आसपास रहे। वो उसे बेड पर लिटा के उस पर कंबल उड़ाने लगा और फिर अपनी साइड पर आकर लेट गया। वैसे रेड ड्रेस कब पहनोगी? उसके कान के करीब आके सरगोशी की, जबकि सीरत ने उसकी बात का जवाब देने के बजाय अपने मुंह पर कंबल तान लिया। सलार का कहका पूरे कमरे में गूंजा। हाय, ये मासूम हिफाजतें, कब तक बचोगी मेरी बहादुर चूजी? जबकि कंबल के अंदर सीरत के गाल सुर्ख टमाटर हो चुके थे। सलार की आंख खुली तो सीरत बिल्कुल उसके करीब सो रही थी। उसे तंग करने का सोचते हुए फ़ौरन उसे काबू कर लिया और उसके लबों पर अपने होंठ रख दिए। अगले ही सेकंड सीरत की आंख खुल गई। छोड़े मुझे, छोड़े प्लीज़। उसके हसार में एक पल के लिए सीरत की आवाज़ भी बंद हो गई। क्यों छोड़ूं? अब तो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। उसके गाल पर अपने लब रखते हुए वो उसके मजीद करीब हुआ। सीरत की तेज़ सांसों की आवाज़ सलार को साफ सुनाई दे रही थी।
वो उसके चेहरे पर झुका तो सीरत ने अपनी आंखें जोर से बंद कर लीं। सीरत की इस तरह से आंखें बंद करने पर सलार खिलकर हंसा। सीरत कबूतर की आंख बंद करने से बिल्ली को वो नज़र आना बंद नहीं हो जाता, और अगली बार अगर तुमने मेरे करीब आने पर आंखें बंद की ना तो मैं इसका मतलब तुम्हारी हाँ समझूंगा। सीरत ने एक झटके में अपनी आंखें खोली जबकि सलार उसके चेहरे की नरमाहट को अपने लबों पर महसूस कर रहा था। छोड़े प्लीज, वो कुछ बोली नहीं थी, बस उसके होंठ हिले थे। ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। उसकी आधी बात पर सीरत की सांस बहाल हुई तो बाकी की बात सुनने के बाद उसकी सांस एक बार फिर से अटकी। क्या? आवाज़ इतनी धीमी थी सलार सुन नहीं पाया। हाँ, मगर उसका सारा ध्यान उसके होंठों पर था। तुम्हें मुझे मेरे नाम से बुलाना होगा, प्यार से मुस्कुराकर सलार ने आंख मारते हुए कहा। चलो शाबाश, मुस्कुराओ मेरे लिए। उसके होंठों को बकायदा पकड़कर मुस्कुराहट की शक्ल देने लगा, लेकिन होंठों पे मुस्कुराहट की जगह आंखों में आंसू आ चुके थे। उसके आंसू ने एक बार फिर से सलार को तकलीफ पहुंचाई। सीरत, क्या बचपना है, अब क्यों रो रही हो? अगले ही लम्हे उठकर बैठ गया और उससे पूछने लगा। सीरत भी उसके बराबर उठ बैठी, लेकिन कहीं जा नहीं सकी क्योंकि उसका हाथ अब भी सलार के हाथ में कैद था। सीरत अभी तक खुद अपनी फीलिंग्स नहीं समझ पाई थी तो सलार से उसका इजहार कैसे करती। उसे बस सलार अपने करीब चाहिए था, अपने आसपास, अपनी नज़रों के सामने, लेकिन वो उसे मोहब्बत नहीं कहती थी। मुझे समझ में नहीं आता सीरत, सब कुछ ठीक हो चुका है तो फिर तुम इस तरह से क्यों कर रही हो? मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए, प्लीज़ आप थोड़ा सब्र करें, सीरत ने बमुश्किल कहा था। कितना वक्त? सलार ने उसे घूरते हुए पूछा। बस थोड़ा सा, मैं ज़्यादा आपका वक्त ज़ाया नहीं करूँगी, सीरत ने फर्श पर नज़रें रखते हुए कहा। वैसे मैं तुम्हें बहुत वक्त दे चुका हूँ, या ऐसा कहना चाहिए कि 2.5 महीने से मैं सिर्फ वक्त ही दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी ये बात मान रहा हूँ। कुछ दिन के लिए मरी जा रहा हूँ, वापस आकर मैं तुम्हारा कोई बहाना नहीं सुनूंगा, मज़ीद मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। गोया उसने ऐलान किया था कि अब वो उससे दूर नहीं रहेगा, जबकि उसके जाने की खबर सुनकर सीरत का चेहरा सफ़ेद हो चुका था। नहीं, आप कहीं नहीं जाएंगे, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। उसका डर वो समझ सकता था। उसे लगता था जिस तरह से हाशिर उससे दूर हो वो और कभी उसे देख नहीं पाए, इसी तरह सलार भी उससे दूर चला जाएगा। नहीं मेरी जान, मैं जाऊंगा और तुम भी यहाँ नहीं रहोगी। अपना सामान पैक करो, हम कराची जा रहे हैं। कराची के कॉलेज में मैंने तुम्हारा एडमिशन करवा दिया है, अब तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दोगी, लेकिन इसका मतलब हर केस नहीं है कि तुम्हारा ध्यान मुझ पर नहीं रहेगा। वो अपनी ज़ात इग्नोर करना बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसकी बात सुनकर सीरत के गाल के डिम्पल जाहिर हुए। शायद नहीं, वो यकीनन मुस्कुरा रही थी और उसकी मुस्कुराहट आज पहली बार सलार के नाम थी। सलार ने बेखुदी में अपने लब के गाल पर रखे। इससे पहले कि मज़ीद बेखुद होता, सीरत ने मौके का फ़ायदा उठाकर वॉशरूम में दौड़ लगाई। वापसी पर सारे रास्ते सलार ने सीरत का हाथ थामे रखा। सीरत ने कोई मुजामत नहीं की। अब सीरत अपने जज्बात को कोई नाम दे या ना दे, लेकिन सलार ने दे दिया था। अब सीरत उसे अपनी मोहब्बत का इजहार करे या ना करे, लेकिन उसे यकीन था कि वो उसे कभी छोड़ कर नहीं जाएगी। सीरत अपनी पढ़ाई दोबारा शुरू हो जाने की वजह से बहुत खुश थी। अब वो अपने भाई का ख्वाब पूरा कर लेगी। हनीमून पर कहाँ चलोगी? अचानक सवाल पर सीरत ने फौरन अपना हाथ छुड़ाया। अरे तुम तो ऐसे घबरा रही हो जैसे मैंने किसी और के हनीमून पर चलने की बात की हो। हम अपने हनीमून की बात कर रहे हैं। सलार ने सवाल नॉर्मली पूछा था, लेकिन आगे से सीरत की एक्सप्रेशन देखकर उसको अपनी हंसी रोकना मुश्किल हो गई, इसलिए उसे तंग करने के लिए मज़ीद कहने लगा। बोलो ना। अपनी हंसी दबाकर फिर से उसके चेहरे के आते जाते तासरात देखने लगा। मुझे नहीं पता। उसके बार बार पूछने पर सीरत को और कोई जवाब न सूझा। नहीं पता? इसका मतलब है ये काम भी मुझे ही करना पड़ेगा। यार सीरत, तुम तो हर मामले में ज़ीरो हो। हाँ तो आपने 0% वाली से शादी क्यों की? ना करते ना, किसी 100% वाली से शादी कर लेते। और वो है ना आपकी कज़न दरिया, वो खुद भी नहीं जानती थी कि उसने दरिया का नाम क्यों लिया, लेकिन सारा बेगम ने उसे बताया था कि वो सलार की बचपन की मंगेतर है। मोहतरम दरिया से जेलस हो रही हैं, सलार ने खुद ही अंदाज़ा लगाया। मैं जेलस नहीं हो रही जी, मुझे पता है कि वो आपकी मंगेतर थी, सीरत ने बताना ज़रूरी समझा। तो तुम जेलस नहीं हो रही हो?
वैसे होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो कुछ तुम्हारे पास है वो दुनिया में किसी लड़की के पास नहीं, सलार ने संजीदगी से कहा। वो क्या? सीरत ने पूछा। सलार शाह, जवाब बेसाख्ता था, जबकि सीरत सोच रही थी कि अगर वो इस शख्स की वजाहत पर गरूर करे तो वो गलत ना होगा। फिर खुद ही तोबा तोबा करने लगी। सलार ने ना समझे उसे देखा। सीरत, क्या हुआ? अल्लाह को गरूर पसंद नहीं है, सीरत ने मासूमियत से कहा, जबकि सलार उसकी सोच पढ़कर मुस्कुराया।